हेलो एंड वेलकम बैक मैं मधु और ऐसी वीडियोस और देखनी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो आज का टॉपिक है कैनथ स्लासर की पोयम साउथ कंट्री कैनथ इनका बर्थ हुआ था मार्च 27 1901 को ऑरेंज ऑस्ट्रेलिया में इनकी डेथ हुई थी 30 जून 1971 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ये पोएट जर्नलिस्ट और ऑफिशियल वॉर करस्पोंडेंट थे वर्ल्ड वॉर सेकंड में ओके okay, तो पोयम स्टार्ट करते हैं साउथ कंट्री आफ्टर द वे फेस्ड एनोनिमिटी ऑफ रिवर गम्स एंड स्क्रिबली गम्स एंड बुश वे फेस्ड मींस पेल फेस पेल फेस मतलब हल्का पीलापन है एनोनिमिटी मींस गुमनामी और रिवर गम्स रिवर गम्स क्या होता है ये एक टाइप का पेड़ होता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है कुछ ऐसा दिखता है वो और स्क्रिबली गम्स ये भी पेड़ होते हैं ये कुछ ऐसा दिखता है और बुश मतलब झाड़ियां पोइट ने मेनली जो है वो लैंडस्केप डिस्क्राइब किया है मतलब जो पेड़ पौधे जंगल पहाड़ियाँ यही सब चीज़ें बताई हैं इस पोएम में तो पोइट यही बता रहे हैं कि जब बहुत सारी ये जो पेड़ हैं स्क्रिबली गम्स पेड़ रिवर गम्स पेड़ ये सब बहुत सारे हैं गुमनामी में आफ्टर द रबिंग एंड द हिट ऑफ ब्रश यू कम टू द साउथ कंट्री ब्रश के हिट के बाद रबिंग के बाद ये सब पेड़ को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं इसके बाद आप लोग साउथ कंट्री में आते हैं एज इफ द ऑर्ग्यूमेंट ऑफ ट्रीज वर डन अब यहाँ पे ट्रीज को जो है वो ह्यूमन बींग से कंपेयर किया गया है जैसे ऑर्ग्यूमेंट्स होते हैं ह्यूमन बींग के तो वही बोल रहे द ऑर्गूमेंट्स ऑफ ट्रीज वर डन मतलब अब ये जो ट्रीज की बात यहाँ पे खत्म हो गई है द डाउट्स द क्वारलिंग द प्लॉट्स एंड द पेंस अब यहाँ पे झगड़ा शक प्लॉट्स पेन मतलब पूरा एक तरीके से ट्रीज को इन्होंने ह्यूमन से कंपेयर करता है कि ऑर्ग्यूमेंट में क्या होता है ऑल एंडेड बाय दिस क्लियर एंड ग्लाइडिंग प्लेन्स पॉइंट अब यहाँ पे शुरू करते हैं प्लेन्स के बारे में बताना जमीन के बारे में बताना ट्रीज के बारे में बता दिया अभी जमीन के बारे में बताएंगे ग्लाइड का मतलब होता है मूव विथ अ स्मूथ कॉन्टिन्यूवस मोशन ठीक है और प्लीज ये एक तरीके से एरोप्लेन जैसा भी प्लेन है बट यहाँ पे सिर्फ ये जो ग्लाइडिंग प्लेन वाली चीज है ना वो रेफरेंस ली गई है लाइक एन एब्रप्ट सोलूशन एब्रप्ट मीन्स अचानक मतलब ट्रीज का एक सोलूशन मिल गया क्या प्लेन जमीन एंड ओवर द फ्लैट अर्थ ऑफ एम्पटी फार्म मतलब वो जो जमीन है वहां पे जो जमीन है जहाँ पे खेत की जमीन है वहां पे जो खेत है वो खाली है मतलब ये जो चीजें यहाँ पे पोइट ने बताई है वो निगेटिव बताई है द मॉन्स्ट्रस कॉन्टिनेंट ऑफ एयर फ्लोट्स बैक कलर्ड सनलाइट एंड द विश ऑफ थंडर स्ट्रोम्स थंडर स्ट्रोम्स मीन्स आंधी तूफान ब्रूज चोट रोटिंग सरना मॉन्स्ट्रस राक्षसी कॉन्टिनेंट महाद्वीप अब जो पोएट है वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं आधी तूफान को मतलब अब जैसे बारिश होने वाली होती है तो कैसा सीन होता है काले बादल दिखते हैं तेज़ हवा चल रही होती है तो वही सब चीज़ों को पोएट ने डिस्क्राइब किया है अब जैसे ब्रूज किसी चीज़ को चोट कैसे लगती कौन सी चीज़ को चोट लगती मतलब ह्यूम्स को चोट लगती है एनिमल्स को चोट लगती है तो लिविंग थिंग को यहाँ पे कंपेयर किया गया है क्या चीज़ें सड़ती हैं बहुत सारी चीज़ें सड़ती हैं यहाँ पे सनलाइट को रोटिंग बताया मतलब यहाँ पे जो लाइट है वो कम होती जा रही है एयर पाउंडिंग द बोनी रिच बीचेस एंड अ ऑफ लाइट इनॉर्मस मीन्स विशाल पाउंडिंग मीन्स तेज बीचस एक तरीके का नाली टाइप का कुछ ऐसा हर्चे मतलब जिसमें डोमेस्टिक जानवरों को रखा जाता है एग्जाम्पल के लिए रैबिट रैबिट को जिसमें रखा जाता है केज उसको हचस बोलते हैं किसी भी डोमेस्टिक एनिमल को उसमें रख सकते हैं अब जो बारिश है हो गई है मतलब बादल हुए काले बारिश हुई तेज हवा चली रिज मतलब चोटी बोनी रिज मतलब बोनी मतलब क्या होता है बोन जैसा रिज मतलब चोटी किसी भी पहाड़ की हिल की चोटी ड्रंच ऑफ लाइट मतलब थोड़ी लाइट हाँ थोड़ी सी लाइट दिख रही है अब बारिश हो गई है तो मौसम खुल रहा है तो वह थोड़ी सी लाइट दिख रही है सो ह्यूज फ्रॉम सच इनफिनिटीज ऑफ हाइट अब एक हाइट पे से इंसान अगर बैठ के सपोज कहीं मैं बहुत ऊंचे पे बैठी हूँ ये सब चीजें देख रही हूँ हमें लगता है वो चीज इंफिनेट है बहुत दूर तक है और इन्फिनेट से ये भी मतलब हो सकता है ओरिजन की लाइन होती है वो दिखना बंद हो गई हो यू वॉक ऑन द स्काईज बीच और हमको लगता है ऐसे देख के कि हम चल रहे हो स्काई बीच पे बीच तो अपना नॉर्मल समुद्र वाला बीच पर वहा पे ऐसे बैठ के ऐसे देख के लग रहा है कि अगर हम चलेंगे तो ऐसा लग रहा है चल के कि हम लोग स्काई बीच पे चल रहे हैं आकाश के बीच पे चल रहे हैं सिंपली बादलों में चल रहे हैं वाइल्ड इवन द डवेंडल्ड हिल्स आर स्मॉल एंड बेयर ड्वेंडल्ड का मतलब कम होते जाना अब जैसे हिल्स कम होती जा रही हैं छोटी दिखती जा रही हैं स्मॉल हैं बेयर हैं एज इफ रिबेलियस बरिड पिटीफुल समथिंग बिलो अंदर से ही कोई चीज जैसे उसको धक्का दे रही हो तो इस वजह से जो उसका स्कल है खोपड़ी है वो बाहर आ रही है और हवा को फील कर रही हो ऐसा कुछ अब पोएट की बात में कोई एक मतलब तो होता नहीं है जो लाइन है उसके अंदर भी बहुत सारे मतलब होते हैं इसका एक ये मतलब भी हो सकता है कि सपोज जो थिंकर होते हैं उनके आसपास कैसा भी इन्वायरमेंट हो पर वो अपनी बात कहने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं और ये बात ऑस्ट्रेलियन राइटर और पोइट्स के लिए भी हो सकती है बिकॉज अभी सपोज हम लोग अपने में ही देखें अगर हमसे कोई इंग्लिश अमेरिकन राइटर्स के बारे में पूछेगा तो हम लोग फटाक से कुछ नाम तो बोल ही सकते हैं एमरी डिकनसन वॉल्ट विटमैन जॉन डन विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो हम लोग बता सकते हैं पर अगर अभी हम लोगों से कोई ऑस्ट्रेलियन राइटर के बारे में पूछ ले तो हम लोग भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा फेमस नहीं है जितना ये अमेरिकन और ब्रिटिश राइटर्स हैं ये लोग ज़्यादा फेमस हैं ओके ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो गया जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ अच्छा लगा है तो लाइक करो थैंक्स फॉर वॉचिंग यू नेक्स्ट टाइम बाय बाय